हुडकेश्वर पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में 4,71,000 रुपए के सोने के गहनों की चोरी के मामले में घर मालिक की दुकान में काम करने वाले चोर को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 4,50,000 रुपए का माल बरामद भी कर लिया। आरोपी का नाम विश्वकर्मा नगर चंद्रपुर निवासी मयूर साहूजी दुरुरकर बताया गया। दो दिन पहले गीतानगर बेसा निवासी मोनाली सूरज शीरभाते अपने पति के साथ 12:15 बजे अपनी ननंद की शादी में शामिल होने गई थी। शाम करीब 7:45 बजे लौटने पर उनकी अलमारी से 157 ग्राम सोने के आभूषण गायब थे। इनकी कुल कीमत 4,71,000 रुपए बताई गई। मोनाली के पति हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। मयूर पिछले 2.5 वर्षों से उनके यहाँ नौकरी करता था। उसकी पत्नी मोनाली के यहाँ घरेलू कामकाज करती थी। पुराना नौकर होने से मोनाली और उनके पति का दोनों पर विश्वास था। पुलिस जांच में मयूर का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। उस पर चंद्रपुर में चोरी के कई मामले दर्ज है। जांच में पता चला कि आरोपी ने अलमारी खोलने के लिए किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की थी, बल्कि चाबी से खोला था। तभी पुलिस को शक था कि चोरी घर के किसी व्यक्ति ने की। परिवार के सभी लोगों से पूछताछ में पुलिस को कुछ नहीं मिला। ऐसे में शक की सुई घर के नौकरों पर घूमी। पुलिस ने मयूर और उसकी पत्नी के अलावा अन्य नौकरों के बयान दर्ज करना शुरू किया। इस दौरान मयूर की हरकतें संदिग्ध लगी। हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने सारा सच उगल दिया। पोस्टे हुडकेश्वर हद्दीमधील गीतानगर या ठिकाणी शिरभाते कुटुंबीय राहतात। त्यांच्या घरात लग्न होतं। तर पूर्ण कुटुंबीय हे ओंकार सेलिब्रेशन लॉन या ठिकाणी गेले होते। त्याच दरम्यान दुपारी 11:45 ते 6:30 वाजेच्या दरम्यान कुणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या घरात प्रवेश करून त्यांच्या अलमारीतील सौ मोनाली शिरभाते यांचे 15.7 ग्रॅमचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते। फिर्यादीने फिर्याद दिल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी गेलो असता जी गुन्ह्याची MOB पाहता हे नवख्या नाही तर घरातल्याच किंवा परिचितांपैकीच कोणाचे तरी काम असावे असा आम्हाला संशय आला। त्या दृष्टीने आम्ही त्यांचे दुकानात काम करणारे नोकर या सगळ्यांची विचारपूस केली असता त्यापैकी एक मयूर साहूजी बुरडकर आहे याच्यावर आम्हाला संशय आला। त्याचा आम्ही रेकॉर्ड चेक केला असता चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये त्याच्यावर घरफोडीचा गुन्हा आहे। त्यानंतर त्याला आपण ताब्यात घेतलं आणि त्याची सखोल चौकशी केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला आणि त्याने चोरलेले दागिने मागे 2 प्लॉट सोडून एका ठिकाणी डंप करून ठेवले होते। त्या ठिकाणी ते दाखवले त्याप्रमाणे आपण दागिने हस्तगत केलेले आहेत। 4,71,000 15.7 ग्रॅम सोनं गेलं होतं। त्यापैकी आपण 15 तोळे सोनं 4,50,000 रुपयांचं रिकवर केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।